डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। आज यानी 15 अक्टूबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने भारत को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि इनके जन्मदिवस के अवसर पर हम हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया भी जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम है। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इन्होंने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में वैमान की इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हील यानी SLV-3 को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने देश के कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मिसालों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैमानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव रहे। इसके अलावा इन्होंने नवंबर 1999 से नवंबर 2001 तक भारत सरकार प्रधान वैज्ञानिकी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इन्हें लोगों विशेषकर छात्रों से बेहद प्रेम था और इसलिए इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में शिलांग में इनका निधन हो गया। उन्होंने भौतिकी और विज्ञान का अध्ययन किया और अपना जीवन शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। इन्हीं का प्रसिद्ध कथन है, सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। प्रमुख रचना विंग्स ऑफ फायर जिनकी आत्मकथा है। एक्राई टेक माइंड्स अनलिसिंग द पावर इन इंडिया मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम गाइडेंस सोल्स माई जर्नी इत्यादि प्रमुख जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो सम्मान मिले वो हैं पद्म विभूषण 1990 में, पर भारत रत्न 1997 में।